अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब करे। मैं गई थी पुफी के घर और इन लोगों ने लाए थे जंगल से शाजकन, और यह है शाजन, इनको ऐसे साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसको साफ़ कर रहे थे, उसके बाद पता नहीं इसको वॉश किया जाता है। बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? कुरत कुरत, ये देखो झाड़ू लगा रही है। कुरत, आप झाड़ू लगा रही हो? झाड़ू लगा रही हो? झाड़ू करो काम। अरे इधर तो देखो, अरे बिट्टू इधर तो देखो, इधर तो देखो। कुरत कुरत कुरत, फश। ये कौन है? ये कौन है प्यारा बच्चा? ये प्यारा बच्चा कौन है? ये प्यारा प्यारा बच्चा कौन है? ये प्यारा प्यारा बच्चा कौन है? प्यारा प्यारा बच्चा भाग गई की वजह से कितने फूल गिर रहे हैं यहाँ से। हाँ जी हो, ये देखो कितनी तेज से फूल आ रहे हैं, तेजी से। ओ वाह, जी। तो आज इस व्लॉग में मुझे कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं जो कि आप लोग कहीं टाइम से पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा आज दे ही देती हूँ। तो कुछ सवाल मैंने लिए हैं तो उनके जवाब मैं दे रही हूँ। सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कितने भाई बहन हो। ओके जी, तो हम टोटल चार बहनें हैं और हमारा एक भाई है। ठीक है, हो गई ये बात क्लियर? आप प्लीज़ फिर से नहीं पूछना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मैं एक बात का जवाब देती हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर से वही पूछते हैं, फिर से वही पूछते, बार बार फिर जवाब देना ठीक नहीं रहता। तो हो गई ये बात क्लियर, हम चार बहनें और एक भाई है। ओके जी, तो उसके बाद है नेक्स्ट सवाल, वो इस बात को लेके है कि आप कहाँ रहती हो। इसका जवाब मैंने पहले दिया है, बहुत बार दिया है, बट कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैं हंदवाड़ा में रहती हूँ। ओके, होगी ये बात क्लियर? ओके, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। ये भी मैंने बहुत बार बोला है, बट नए सब्सक्राइबर्स कुछ हो गए उनके लिए बता देती हूँ, मेरा नाम तबस्सुम है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये मास्क कब हटा रही हो? ये भी मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं हर व्लॉग में। तो मैं ये मास्क कभी नहीं हटाऊंगी। आई मीन कि मुझे हमेशा व्लॉगिंग मास्क लगा के ही करनी है। मैं अपना फेस रिवील कभी नहीं करूंगी, मैंने पहले भी ये बात बोली है। मतलब मैं आई हूँ मास्क लगा के, तो मैं कभी मास्क नहीं हटाऊँगी, क्योंकि मेरा मानना है अगर कोई लड़की मतलब कुछ भी, कोई भी जॉब करे या कुछ भी करे, यूट्यूब करे, एटलीस्ट पर्दे में होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो फेस दिखाते हैं वो अच्छी नहीं है, हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी मर्ज़ी है। मेरा ये मानना है पर्दे में रह के अगर हम कोई भी काम करे, कोई भी जॉब करे, तो वो हम एटलीस्ट पर्दे में रह के करें तो अच्छी बात होती है। ये भी क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे पूछते हैं, बहुत सारे, इवन कि मैं तंग आती हूँ हर रोज़ एक ही बात को लेके क्वेश्चन आते हैं कि आप ससुराल में क्यों नहीं होती हो, आज आप बहुत टाइम से मायके में। तो हाँ जी, मैं बहुत टाइम से मायके में हूँ, तो वो मैं आगे जाके बताऊंगी, इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी किस वजह से हूँ। बस बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले यहाँ आते हैं, मैं भी वहाँ जाती हूँ, मैंने पहले भी बोला है मैं वहाँ भी जाती हूँ, बीच बीच में यहाँ भी होती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, यहाँ ही होती हूँ, वहाँ भी मैं जाती हूँ। हाँ, वहाँ मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, पहले करती थी। अगर आप मेरे पहले वाले ब्लॉग्स देखते होंगे तो पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन अब मैं आज यहाँ पर हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जा के आपको पता चलेगा कि किस वजह से मैं थी। तो बस वही। तो उसके बाद है और एक क्वेश्चन
कि आप अपनी अफ्तारी क्यों दिखाती हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। हाँ सीरियसली आई एग्री, मैं इस बात को मानती हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके पास कुछ भी नहीं होता, और मुझे दिल से बुरा लगता है, और मैं इस बात को लेकर सोचती भी हूँ। लेकिन देखो डियर, हम एक व्लॉगर्स हैं, हम अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं, तो हमारा ये दिखाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम किसी को दिखाएं, देखो हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, हमारे पास ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ दिखाते हैं बस यही, तो बाकी कोई ख़ास बात नहीं है। और जिनके पास नहीं होता है, अल्लाह सबको दे, जिसको मतलब जिसकी जो भी ख्वाहिश है अल्लाह पूरी करे, जिनके पास अगर कुछ नहीं है अल्लाह उनको भी दे, बस यही बोल सकते हैं। कहाँ जा रही हो? कुरान पढ़ने। दुआ में याद रखना, दुआ करो मेरे लिए। मैंने हर एक काम खुद कर रही, आज मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं की। गए हैं कुछ सामान, फ्रूट एंड सैलड मसाला, ये है ऑयल, ये है टैंग, और ये है गार्लिक पिकल, और ये है मिक्स वेजिटेबल।